रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्राइवेट ट्रांसफॉर्मेशन में पहले स्थान पर रहे हैं मिस्टर प्रभात सिंह कि वो स्टेज पर देखिए रिजल्ट आपके सामने था तो इसमें कोई शक नहीं कि ये फर्स्ट है ही है तो बच्चे जोरदार तालियों के साथ इनके स्वागत कीजिए इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही इज वेरी इनोसेंट के साथ साथ
लेवल बढ़ाने से मतलब अब कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन उनका रहता है। मिस्टर मैकनी सर ने नाम नॉमिनेट किया था विक्रांत सिंह राजपूत का। ये बच्चा बहुत ही हार्ड वर्कर है, बहुत ही मेहनती है और अपनी पढ़ाई से मतलब और उसकी वाणी यानी उसकी भाषा बहुत अच्छी होती है। मिस असमा खान ने स्वाति सिंह का नाम नॉमिनेट किया था बिकॉज शी इज़ वेरी स्वीट एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट गर्ल। मैंने आप मुझसे भी तो पूछोगे मैंने किसका किया, मैंने एक बच्चे का नाम लिखा यानी फातिमा खान जो फैकल्टी है अपना नाम किया था, शिल्पी उपाध्याय का नाम नॉमिनेट किया था बिकॉज शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। और मैंने उन्हें एक फैकल्टी ऑफर भी दिया था अगर वो यहाँ हो तो शायद उनको पता हो। इसके अलावा सीमा मैम इन्होंने एक बच्चे का नॉमिनेशन किया था नवनीत सिंह। इसके अलावा जितेंद्र सर इन्होंने एक बच्चे का नाम नॉमिनेट किया था स्वाति सिंह। इसके अलावा क्या है कुछ छोड़ रही हूँ, हाँ विवेक सर ने बच्चे का नाम नोट किया था गौतम बदानी। और हमारी जो बीनू मैम है उन्होंने एक बच्चे का नाम नॉमिनेट किया था अविनाश गोला। मैंने नॉमिनेशन नाम बता दिए, अब जो बच्चे इस नॉमिनेशन में थे इसका मतलब उसमें से कोई एक बेस्ट है और जो बच्चे इस नॉमिनेशन में नहीं है इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनसे छोटी सी कोई चूक हुई है। अब आप खुद एवलुएट कीजिए कि ऐसी क्या चूक है जिसको हम खुद पहचाने और खुद उसको फूल करने की कोशिश करें। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ इंजीनियर मैक सर से कि उस बच्चे का नाम अनाउंस कीजिए कि हु इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्वाति सिंह खूबसूरत टॉफी मिल रही है बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर की।